Hello, my name is Afroz. I'm your trainer. Today we'll discuss applications of IT. IT applications क्या क्या होती हैं अगर मैं बात करूँ तो वो हर चीज़ जिसमें हम कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. इन टेक्नोलॉजिकल डेवलप नेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ एवरी लाइफ. अगर हम सुबह उठ के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. फॉर यूज़र कंप्यूटर्स आर टूल्स दैट प्रोवाइड द डिज़ायर इंफॉर्मेशन वेन एवर नीडेड. हमें जब भी चाहिए हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. हमें किसी ऑफिस में काम करना है, हमें घर पे काम करना है, हमें वर्क फ्रॉम होम करना है, हमें बिजनेस करना है, हमें अपने अकाउंट के बारे में जानना है. हम हर चीज़ आराम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कर सकते हैं. तो वेरियस एप्लीकेशन एरियाज आर बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, बहुत सारे, इवन बहुत सारे क्या, हर फील्ड में आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाहे हम रिसर्च का कर रहे हैं, चाहे हम कोई गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, या एनिमेशन कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कुछ अपने हेल्थ के बारे में सर्च कर रहे हैं, हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, हम एजुकेशनल फील्ड यूज़ कर रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का देख रहे हैं, तो हम हर जगह कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. तो हम वन बाई वन पढ़ेंगे कैसे यूज़ कर रहे हैं हम आईटी. जैसे कि आईटी इन होम कंप्यूटिंग, अ पर्सनल कंप्यूटर इज यूज टू वर्क एट होम, टू डू द हाउस होल्ड अकाउंट, प्ले गेम्स, सर्व द वेब, यूज द मेल, क्रिएट म्यूजिक, परस्यू अ रेंज ऑफ अदर हॉबीज. अगर मैं घर की बात करूँ तो हम कैसे यूज़ करते हैं घर पे, कोई भी हमें नॉर्मल हाउस होल्ड अकाउंट्स के बारे में देखना है, वीडियो गेम्स खेलना है, कुछ सर्च करना है, मेल करना है, म्यूजिक चलाना है, तो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर का. आजकल जैसे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा ही गेम्स जो हैं वो कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, एक्शन गेम खेल रहे हैं, रोल प्लेइंग गेम्स खेल रहे हैं, पजल, बहुत तरह का गेम यूज़ गेम खेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पीसी के थ्रू. पीसी विद अ सीडी रोम ड्राइव, साउंड साउंड कार्ड स्पीकर कैन प्ले ऑडियो सीडी. कंप्यूटर कैन बी यूज फ्रॉम होम टू स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज. हम म्यूज़िक चलाना है तो हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर का, कुछ वीडियोस देखनी है तो यूज़ कर सकते हैं. आजकल के जैसे कोरोना चल रहा है तो आजकल जो ट्रेनिंग कोर्सेस हैं वो सारी ही हम ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं. आईटी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कैसे यूज़ हो रहा है अगर मैं बात करूँ तो आजकल हर लाइब्रेरी कंप्यूटराइज हो गई है. बुक्स बारकोड के थ्रू, मतलब अगर आपको पब्लिक मतलब लेनी है लाइब्रेरी से तो आपको एक बारकोड के थ्रू स्कैन करने के बाद ही मिलेगा. इट्स मेक इजियर फॉर लाइब्रेरी टू कीप द ट्रैक ऑफ बुक्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बुक्स. सिंपली अगर मान लो कोई बुक लाइब्रेरी में नहीं है और कोई दूसरा पर्सन लेने आता है तो लाइब्रेरियन क्या करेगा, उस बुक का बारकोड सर्च करेगा. अगर वो नहीं है तो उसको ईजिली पता चल सकता है कि अभी किसी न किसी को इशू हो रखी है, आपको नहीं मिल सकती है. अदरवाइज वो पूरे लाइब्रेरी में ढूंढता रहता. हम इजीली रिटर्न कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू. आईटी इन एजुकेशन, अगर मैं अभी के टाइम पर करेंट पीरियड बात करूँ तो आजकल सारा एजुकेशन सिस्टम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रहा है. अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस कह लो, कोई प्रोग्राम कह लो, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कह लो, वो हर चीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का यूज़ हो रही है. स्टूडेंट्स, टीचर एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरी स्टॉक होल्डर इन द एजुकेशन सेक्टर हैज़ बेनिफिटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ आईटी इन एजुकेशन. बहुत ईजी हो गया है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो जो एजुकेशनल स्टेक होल्डर से जुड़ा हुआ है, तो कंप्यूटर या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जुड़ने से एजुकेशन में सबको फ़ायदा हुआ है कि वो इजीली घर बैठे अपनी क्लास प्रोवाइड करा सकते हैं, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा सकते हैं. आजकल अगर ऑफलाइन भी हो रही है तो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है. कुछ भी हमें असाइनमेंट दिखाना है तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. आईटी इन कम्युनिकेशन कि हम वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं. मॉडर्न कम्युनिकेशन मेक यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. वी यूज़ कंप्यूटर फॉर मेल, चैटिंग, कुछ सर्च करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है. अ पर्सन हु रिसीव दिस मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली एंड करेक्टली.
कम्युनिकेशन का जो है मतलब, अगर मैं बात करूँ तो हम क्या करें, एक दूसरे को हम कुछ ना कुछ आइडिया शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कुछ पिक्चर शेयर कर रहे हैं। पर आईटी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के थ्रू ये बहुत इजी हो गया कि हम घर बैठे किसी से भी चैटिंग और अपनी बातें कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो, चाहे वो कॉलिंग के थ्रू हो, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, या फिर आपकी पर्सनल टॉक। आईटी इन बिजनेस, बिजनेस ही आईटी के थ्रू ही हो रहा है। अगर आज के टाइम कोई मार्केटिंग एक्टिविटीज है, अगर जो हमारा लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हैपन थ्रू द इंटरनेट कॉल, ई कॉमर्स, आईटी फैसिलिटिंग, मार्केटिंग, कस्टमर विजिट, प्रोडक्ट, मीन्स हर चीज आईटी का यूज हो रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो बजटिंग हो, चाहे वो कैलकुलेटिंग हो, चाहे वो मेंटेनिंग द स्टॉक हो, कोई भी पेरोल, अगर कोई एक्टिविटीज है आजकल के मार्केट में, तो वो हर चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। चाहे ई कॉमर्स जो ऑफर कर रहा है हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अगर ई कॉमर्स कैसे कर रहा है, अगर ई कॉमर्स अगर ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, तो वो ऑनलाइन ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही अपना इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है, ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, हर चीज़ वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर उसको किसी कस्टमर को बताना है तो वो कैसे दिखाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ना किसी ऐप के थ्रू वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो उसका पर्टिकुलर कोई स्टोर नहीं है, तो वो हर चीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूँ अमेज़ॉन का, तो अमेज़ॉन का कोई स्टोर नहीं है जहाँ पे हम अपनी कंप्लेन कर सकते हैं या अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें ईजिली अपना प्रोडक्ट मिल रहा है, अपना हम ट्रांजेक्शन ईजिली कर रहे हैं, अमेज़ॉन अपना इन्वेंट्री ईजिली मैनेज कर रहा है। अगर मैं स्मार्ट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स की बात करूं, तो भी हम जाके इजीली ये सब यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। बैंकिंग, बैंकिंग भी ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट हो गई हमारी। कंप्यूटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। एवरी एक्टिविटी ऑफ अ बैंक इज नाउ ऑनलाइन। पहले पेपर्स पे होती थी, बट ये बहुत पहले की बात है। मैं अगर मॉडर्न बैंकिंग बात करूँ, तो वो पूरा ही पूरा कंप्यूटर पे है। कंप्यूटर, कस्टमर डेटा एंड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय कंप्यूटर। हर चीज़, नॉट ओनली कस्टमर डेटा एंड ट्रांजेक्शन, एवरी थिंग आर रिकॉर्डेड ऑन कंप्यूटर। अगर मैं घर बैठे देखूँ, तो ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम ऑनलाइन पैसा जमा कर रहे हैं, तो हर सेक्टर में ही आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, और बहुत प्रॉपरली, जिससे कहीं ना कहीं हमारा टाइम सेव हो रहा है, हमारी इफिशेंसी ज़्यादा निकल कर आ रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।